हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल हिंग्स ट्रैक वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में। और आप लोगों को पता ही होगा कि इससे पहले मैंने रेनेसेंस मूवमेंट, रिफॉर्मेशन, ह्यूमनिज्म, एलिजाबेथन ड्रामा और यूनिवर्सिटी विद से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करी थी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी के मिले हुए हैं। अगर आप लोगों के भी सिलेबस में हो तो आप प्लीज़ जाकर के उन सभी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप देख चुके हैं तो बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये जो एलिजाबेथन टर्म है इसको अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो इससे पहले मैंने एलिजाबेथन ड्रामा से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, ठीक है, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एलिजाबेथन का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रेनेसेंस जो मूवमेंट था वो इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में जब आया था तो उसी को एलिजाबेथन एज बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मैं एक तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। सो द रेनेसेंस मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो नोन एज एलिजाबेथन एज और द एज ऑफ शेक्सपियर। इसको हम लोग जो रेनेसेंस मूवमेंट है वो कई सारे क्षेत्रों में उसका प्रभाव देखने को मिला था, चाहे वो आप जैसा कि समझ ही सकते हैं कि साइंस हो और आर्ट्स हो, आर्किटेक्चर हो, हर एक फील्ड में आपको यहाँ इनका इसका सबका रेनेसेंस मूवमेंट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो मूवमेंट का इफेक्ट इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में आपको देखने को मिलता है उसी को हम लोग एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम की रानी क्वीन थी, ठीक है, तो इस वजह से। और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी थी अपने डांस से, उनको बहुत से अलग तरीके के डांसेस वगैरह पसंद थे और बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, जैसे कि बोल सकते हैं उनको आर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स पसंद थी और बहुत सारी, इसी वजह से लिटरेचर के फील्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, तो इस वजह से एलिजाबेथन इसका नाम रखा जाता है, एलिजाबेथन नाम के इससे जाना जाता है। और इसी टाइम पर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर, फेमस पोइट राइटर, हर कुछ आप जैसे कि जानती हैं विलियम शेक्सपियर को, तो वो उनका भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो इस वजह से इसको हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। एलिजाबेथन टर्म का जो भी मतलब था मैंने आपको समझा दिया। और इसको एक तरीके से हम लोग गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एलिजाबेथन एज इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज, ठीक है, इन रेनेसेंस, तो गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एज का टाइम था ये आपको मैंने एलिजाबेथन ड्रामा में भी बताया था और यहाँ भी बता देता हूँ, 1579 से लेकर के 1602 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है एलिजाबेथन का, ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिलहाल आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एलिजाबेथन पोएट्री उसके मैंने कुछ एक पार्ट्स किए हैं, जैसे कि एलिजाबेथन पोएट्री के बाद में आपको देखने को मिलेगा एलिजाबेथन सोनेट्स के बारे में, ठीक है, मैं बताऊंगा डिटेल, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग फिर बात करेंगे जो भी बैलेड है हमारी, ठीक है, उससे भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो है। मैंने इसी वीडियो में चाहता तो इंक्लूड भी कर सकता था लेकिन मैंने फिर भी अलग अलग इन सभी का वीडियो बनाया हुआ है, बनाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले इसके बाद में एलिजाबेथन सोनेट आएगी, उसके बाद में फिर मैं बैलेट आपको प्रोवाइड करूंगा इसका वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं एलिजाबेथन पोएट्री की, ठीक है, तो चलिए ये तो साइड थी और हम लोग चलते हैं फिलहाल अपने नोट्स की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में यहाँ पर टेक्स्टेड है। तो द एलिजाबेथन पीरियड जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो कब से कब माना जाता है, 1579 से 1602 तक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इज द गोल्डन एज, और इसको गोल्डन एज भी रिकॉर्ड करते हैं, गोल्डन एज ऑफ द रेनेसेंस, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान जो वाइट थे और सरी और सिडनी नाम के तीन ये हमारे स्कॉलर्स हो गए और जो यूनिवर्सिटी विट से, उन लोगों ने क्या किया था, ऐसा प्रिपेयर किया था वे फॉर एलिजाबेथन, उन लोगों ने क्या एलिजाबेथन के लिए वे प्रिपेयर किया था, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द एलिजाबेथन पोएट्री वाज द पोएट्री ऑफ द न्यू एज, ये ऐसा बताया था ना कि जो इस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी एलिजाबेथन पोएट्री की, क्या हो गई थी, स्टार्टिंग हुई थी, और वो क्या थी, पोएट्री ऑफ अ न्यू एज, जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसी पोएट्री के दौरान, इसी एज में बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्रीज की डिस्कवरी भी हुई, जैसे कि एपिक हो गया आपका, बैलेड हो गया। सो फ्रेंड्स, अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे, बैलेड वगैरह हो गया, ठीक है, एपिक हो गया, एलिजी हो गया, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों की डिस्कवरी हुई थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो और उस टाइम क्या था, लोगों को एक तरीके से जैसे इंटरटेनमेंट करना होता, ठीक, अब जैसे हम लोगों का आज का टाइम क्या है कि लोगों को इंटरटेनमेंट करना होता है तो टीवी होता है, फ़ोन होता है, नेट वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरटेनमेंट के लिए। और उस समय क्या होता था कि लोग जब भी पोएट्री आती थी, कोई भी पोएट्री पढ़ना था, किसी भी चीज़ को इंटरटेन अगर किसी को करना होता था तो वो क्या करता था, जाहिर सी बात है बुक्स में ही पढ़ेगा, तो वो ड्रामाज वगैरह को पढ़ता था। और बहुत ही लोग एंथुजियाज्म देते थे, जैसे आजकल नई फिल्म आती है तो फिर उसके लिए बहुत ही लोग एक्साइटेड
होते थे, एक्साइटेडमेंट होते थे। उसी तरीके से तब के समय में भी जब कोई नई पोएट्री आती थी, नई डिस्कवरी होती थी किसी चीज़ की, तो उस समय भी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते थे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। यार्ड एंड सदी जो थे उन्होंने बहुत सारी सोनेट्स के क्रिएशंस किए हैं, क्रिएट किए हैं सोनेट्स को, और यहाँ पर लिखा भी उनके बहुत सारे सॉन्ग्स थे। ठीक है, और स्पेशली सोनेट्स, स्पेशली उन्होंने क्या चीज़ सोनेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट फ्रूट था रेनेसंस का, ये चीज़ मैंने बताई भी थी, अगर आप लोगों ने रेनेसंस वाला वीडियो देखा होगा, तो जो फर्स्ट फ्रूट था रेनेसंस का, जो मतलब कि रेनेसंस पीरियड हमको किस क्या चीज़ देखने को मिलती है कि कब कैसे लगता है कि हाँ इंग्लिश लिटरेचर के भी फील्ड में रेनेसंस आया है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट फ्रूट जो था, उसका जो पहला फल था, वो कब देखने को मिलता था, फेमस कलेक्शन ऑफ द पोइट्री सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम का। ठीक है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम का एक तरीके का वर्क था जिसको यार्ड एंड सदी ने लिखा हुआ था, जो वाइट एंड सदी ने लिखा था। तो ये फर्स्ट इन लोगों का वर्क था, तो हमको इसी में रेनेसंस का फ्रूट देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो इन्होंने बहुत सारे नंबर्स ऑफ सॉन्ग्स लिखे भी हैं, स्पेशली इन्होंने सोनेट्स बहुत सारे लिखे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या फिर वीडियोस को पॉज वगैरह करके कि उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड सर फिलिप सिडनी, इस पीरियड के दौरान जो फिलिप सिडनी थे, जैसा कि अभी ऊपर बताया ना, तीन स्कॉलर्स हो गए और प्लस यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, तो सर फिलिप सिडनी जो थे कॉल्ड द आइडियल एलिजाबेथन, उनको हम एक तरीके से क्या बहुत ही ज़्यादा एलिजाबेथन पोइट्री के बहुत ही ज़्यादा आइडियल माने जाते हैं, हैं और आइडियल माने जाते हैं। और जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने भी उनको एक तरीके से क्या बताया, अपने जो भी एक क्राउन था उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है, और उसका वन ऑफ द ज्वेल, ठीक है, ज्वेल मतलब एक तरीके का नग बताया है अपने जो भी उनका, तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने भी उनको एक तरीके से ज्वेल कहा है अपने क्राउन का, तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस होगा। तो क्वीन एलिजाबेथ कॉल्ड हिम वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ हर क्राउन, उन्होंने भी अपने क्राउन का उनको ज्वेल कहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है कि ही मेड हिज मार्क बोथ प्रोज एंड पोइट्री, उन्होंने अपने जो भी प्रोज में भी अपना इफेक्ट छोड़ा और पोइट्री में भी इफेक्ट छोड़ा, वो ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते थे। हिज ग्रेटेस्ट वर्क इन द पोइट्री इज द सीक्वेंस, और हाँ इनका एक वर्क था जो कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, एस्टोफिल एंड स्टेला, तो ये एक वर्क था इनका, ये आपको ध्यान रखना है सर फिलिप सिडनी का। तो ये तो रही बात सर फिलिप सिडनी की, और जो सेकेंड नाम आता है एलिजाबेथन पोइट्री में वो क्या है, एडमंड स्पेंसर का। ठीक है, तो ये अगर ये इनका नाम नहीं, अगर आप लिखेंगे एलिजाबेथन पोइट्री अगर आप लिख रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं तो फिर सब कुछ बेकार है। ठीक है, तो एलिजाबेथन पोइट्री को लिखने से पहले आप एडमंड स्पेंसर का नाम जरूर ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इज़ द ग्रेटेस्ट नेम, उनको भी बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट नेम है इन द नॉन ड्रामेटिक एलिजाबेथन पोइट्री में, वो नॉन ड्रामेटिक एलिजाबेथन पोइट्री लिखते थे और इसी चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, तो इस चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। और ही इज़ कॉल्ड द पोइट्स पोइट, और उनको हम क्या पोइट्स पोइट भी बोलते हैं, मतलब ये पोइट्स के पोइट माने जाते थे। एंड ऑल्सो, और उनको क्या मानते थे, चलिए आगे देखते हैं। सो ऑल्सो द सेकेंड फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री, और उनको इंग्लिश पोइट्री का सेकेंड फादर भी माना जाता है, जो फर्स्ट फादर तो था वो तो क्रिस्टोफर मार्लो आई थिंक सो वो थे, हैं तो यहाँ पर इनको सेकेंड फादर भी रिकॉर्ड किया जाता है। ही इज़ बेसिकली नोन एज द चाइल्ड ऑफ द रेनेसेंस, और उनको किस के लिए जाने जाते हैं, बेसिकली किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, नोन फॉर द चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और शायद मिल्टन थे, उनको फर्स्ट फादर माना जाता है पोइट्री का, और या फिर क्रिस्टोफर मार्लो आई थिंक सो, अगर आपको जानना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। सो ये तो बात रही हमारे एडमंड स्पेंसर की, जिनको चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन और चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस भी रिगार्ड किया जाता है। उसके बाद ही वॉज अ जीनियस, वो एक तरीके से जीनियस थे, यानी कि जीनियस का क्या मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान थे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा उनमें बहुत सारी प्रतिभाएँ छुपी हुई थी, बहुत सारे वर्च्यूज गुण छुपे हुए थे। ठीक है, हु ऑक्युपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लेस लगते हैं इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रमुख प्लेस रखते हैं। ठीक है, इन इंग्लिश लिटरेचर पोइट्री। और फिर ये क्या लिखा है कि हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, हाँ और यहाँ पर इनके कुछ आपको जैसे कि अब कुछ भी है आपको अगर लिखना ही है तो किसी भी राइटर के बारे में आप बताने जा रहे हैं, किसी भी पोइट के बारे में आप बताने जा रहे हैं, तो उसका आप लोगों को एक दो वर्क जरूर बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो इनका वर्क है, यहाँ पर ये जो स्पेलिंग लिखी है शायद रॉन्ग है, यहाँ पर आपको स्पेलिंग क्या लिखनी है, एफ ए ई फेराइज आर आई फेराइज क्वीनी। ठीक है, वैसे ये भी ठीक है लेकिन कुछ लोग इसको गलत भी मान लेते हैं, यू यू डबल ई
एन ई, ठीक है। तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, ये आपको ध्यान रखनी है। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि शेफर्ड, शेफर्ड्स कैलेंडर, ठीक है। तो ये भी इनका सेकंड, ये फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। और जो इनका सेकंड वर्क है शेफर्ड कैलेंडर एस्ट्रोफेल एंड ये फोर हेम्स, ये चार इनके जो भी हैं वर्क्स हैं। तो ये चारों को आपको एकदम अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं कि अगर आपको एलिजाबेथन पोएट्री याद करनी है तो एडमंड डिस्पेंसर का नाम और उससे पहले सर फिलिप सिडनी का नाम, उनका एक वर्क एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, और इनके एडमंड डिस्पेंसर के चार वर्क और उनके बारे में आप लोगों को बताना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनके शेफर्ड कैलेंडर है वो एक तरीके की क्या है, पास्टोरल पोयम है, पास्टोरल पोयम है रिटन इन अवर आर्टिफिशियल, एक तरीके से आर्टिफिशियल क्लासिक्स में लिखी गई है, बहुत ही जो कि आउटस्टैंडिंग सी पोयम है। और उनका एक जो वर्क था एस्ट्रोफेल, जैसा अभी मैंने ऊपर बताया कि एस्ट्रोफेल क्या है, एक तरीके की एलिजी है। एलिजी का क्या मतलब होता है, एक शोकपूर्ण पोयम, ठीक है, दुख प्रकट करने वाली पोयम, ठीक है। तो विच इज रोट ऑन द डेथ ऑफ सिडनी, जो कि किसके, सिडनी, सर फिलिप सिडनी की डेथ के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है, उनके डेथ के ऊपर शोक प्रकट करा था किसने। और फिर जो थर्ड नाम है वो तो है शेक्सपियर जी का। तो आपको जैसा पता ही है कि चाहे इन्होंने बहुत सारे ड्रामास भी लिखे एज वेल एज पोएट्री भी इन्होंने बहुत सारी लिखी आउटस्टैंडिंग सी। सो शेक्सपियर का नाम माना जाता है यहाँ पर। शेक्सपियर ऑल्सो नेक्स्ट कम्स, कौन आते हैं नेक्स्ट हमारे, तो शेक्सपियर हैं, उन्होंने बहुत सारे वर्क्स दिए हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में। सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या चीज़ कि शेक्सपियर ऑल्सो पेंड हिज फेमस कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी सोनेट्स दी हुई हैं अपने इस पीरियड के दौरान में, ठीक है। लिटरेरी करियर एज अ पोइट, उन्होंने बहुत सारे पोइट एज अ पोइट बहुत सारे इन्होंने वर्क्स दिए हैं। ही रोट्स 154 सोनेट्स, उन्होंने कितनी सोनेट्स जो लिखी हुई हैं, तो 154, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम नाइदर इन क्वालिटी, उनको ना ही क्वालिटी में मैटर करती थी वो, ना ही क्वांटिटी में मैटर करते थे वो, क्वालिटी में ज़्यादा बिलीव करते थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या लिखा हुआ है कि नॉट इन क्वांटिटी कैन शेक्सपियर्स पोएम्स बी कंपेयर्ड विद हिज ड्रामास। सो जो शेक्सपियर थे, यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जो शेक्सपियर थे वो हमेशा अपनी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देते थे, पोएम्स चाहे वो जो भी जो कुछ भी वो लिखते थे, वॉट एवर ही रोट, तो वो हमेशा अपनी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्वांटिटी पर बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है आपको ध्यान रखने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि ना ही क्वालिटी में ना ही क्वांटिटी में उनकी जो पोएम्स हैं वो अब उनके ड्रामा से कंपेयर भी नहीं करी जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसके बाद फिर आगे देख सकते हैं क्या लिखा है कि हिज पोएम्स आर ओवर शेडोड बाई हिज ड्रामाज, जो उनकी उनकी पोएम्स रहती थी वो एक तरीके से ओवर शेडोड होती थी उनके ड्रामाज की, ठीक है। तो एक तरीके से परछाई बोल सकते हैं आप, ठीक है, छाया जिसको बोलते हैं। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश पोएट्रीज आर शैल आई कंपेयर थी टू द समर डेज, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोयम है, फेमस पोयम है, पॉपुलर, और इनकी बहुत ही ज़्यादा सभी पोयम्स में से एक एकदम वन ऑफ द बेस्ट पोयम आप समझ सकते हैं कि बेस्ट पोयम मानी जा सकती है, ठीक है। तो शैल आई कंपेयर थी टू द समर्स डे, ये आपको एक ध्यान रखने की ये इनकी एक पोयम है, और सभी पोयम्स में सबसे अच्छी इनकी यही अभी तक की जितनी भी पोयम्स हैं तो यही मानी जाती है, ठीक है। एक आपको इसका एग्जाम्पल आपने दे दिया, और एक अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने एक पढ़ी होगी लेट मी नॉट टू द मैरी ऑफ टू माइंड्स, ठीक है। तो इस कवर को भी मैंने कवर अप कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे मिल जाएगा, और विनस एंड एडोनिस। तो ये इनके तीन जो वर्क्स हैं, तीन पोएम्स के वर्क हैं, ये यहाँ पर दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं और ऐसा एग्जांपल देने के लिए, ठीक है, शेक्सपियर के। सो फ्रेंड्स फिर आगे बस ये था हमारा आज छोटा सा एक वीडियो एलिजाबेथन पोएट्री के ऊपर। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक वाइक करना मत भूलिए, और ज़्यादा ही अच्छा लगता है कमेंट भी करिए। साथ ही साथ में अगर कोई आप नए हैं इस चैनल में तो आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि जो भी नए नोटिफिकेशन हो आपको हमेशा टाइम टू टाइम पहुँचते रह सकें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले, जैसे कि आप लोगों को बता ही रखा है मैंने कि एलिजाबेथन उसके बारे में बात करेंगे, सोनेट्स के बारे में बात करेंगे, जो भी एलिजाबेथन की सोनेट्स वगैरह हैं, वो भी बहुत एकदम छोटा सा टॉपिक रहेगा, बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा। इस वीडियो में मैं मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि लोगों को अलग अलग तरीके से समझना आता है, तो फिर अलग अलग वीडियो की हेडिंग्स देख कर लोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।